में लगा इतने दिन में जो सोच रहा था यार मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, लेकिन फाइनली आज से मैं भी डिसाइड कर दिया हूं कि भाई मैं आज से आपके जैसे ब्लॉगिंग करना शुरू करूंगा। ब्लॉगिंग में यार मैं आपको यहाँ पे इलाका बताऊंगा, मेरे यहाँ का रहने का जो रीति रिवाज है वो भी बताऊंगा, और मेरे यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हो कि ये जो मेरा गांव है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और हरियाली चारों तरफ है, देख सकते हो अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है। अभी मैं जैसा कि जो यहाँ पे अपने वापसी की पूजा वगैरह कर दी जाती है तो यहाँ पे आया हूँ, तो आप देख सकते हो अभी, और इसके साथ में मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो कि जो अभी मक्का बो रखा है, और ये जो पूरा नज़ारा है आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये जो बारिश के टाइम पे भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन ये जो बारिश में बहुत ही एक अलग सी वाइब आती है, जो गांव की फीलिंग आती है वो देखने को मिलती है। लेकिन आज से यार मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं आज से मैं आपके साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग में अपना रीति रिवाज वगैरह है, गाँव के जो कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग है वो आपके साथ शेयर करूँगा, आपके देखने लायक वीडियोस होंगे। अब मैं अपना अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे आपको आपसे और मेरे कनेक्ट होने का बहुत ही अच्छा एक रास्ता मिल जाए। मेरा नाम गाइस देवेंद्र है, और मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे मेरे चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ ये एरिया है, यानी जो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो देखने के लिए बहुत ही अलग अलग से दूर दूर से लोग आते हैं मेरे यहाँ पे। आपने जो कहीं है जो देखा भी होगा, जो कोरम घाट राजस्थान का एक बहुत ही एक अच्छा एक स्थान है, जहाँ से जो सारा जो मारवाड़ वगैरह है, पाली वगैरह है, दिखता है, और एक अलग सी वाइब आती है, जो गांव की फीलिंग आती है, तो वो मैं आपको एक दिन अच्छे से मैं टूर कराऊंगा उसका भी। तो यहाँ पे जो अभी देख सकते हो, हालांकि कि जो बारिश रुकी हुई है और हरियाली चारों तरफ है, तो बस आई होप कि ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना, आई होप कि पसंद आए।